नमस्कार फ्रेंड्स, जेलवेंस अकेडमी में आपका स्वागत है। हम टॉपिक 9 पे आ चुके हैं। टॉपिक 9 के इंटरव्यू की जो सीरीज है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं सुपरवाइजर इंजीनियर और जब जूनियर इंजीनियर के लिए आते हैं, तो उसके लिए हमसे क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड करके ये वीडियो मैंने बनाई है। क्योंकि क्या है, जो पिछले वीक जो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था, तो उसमें इंटरव्यू में इंटरव्यू देने गया था स्टूडेंट, तो उससे किसी कंपनी ने पूछ लिया कि डिफरेंस बिटवीन G00 और G01 कैनेट साइकिल में और G00 और G01 में क्या डिफरेंस है। तो क्या है कि वहां से क्वेश्चन काफी कुछ आता था बंदे को, लेकिन वहां पे क्या जाके क्या नर्वस हो गया वो। सो मैं इसी के रिगार्डिंग मैंने जो है वीडियो बनाई है। इसके अंदर मैं आपको G00, G01 और कैनेट साइकिल में क्या डिफरेंस है, दोनों के अंदर जब हम प्रोग्राम बनाते हैं क्या डिफरेंस है, उसके बारे में आपको ब्रीफली से मैं समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टाइम की। इसके अंदर G00 G01 में जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो काफी लंबा प्रोग्राम बनता है, बहुत लंबा प्रोग्राम बनता है। और यहाँ पे लंबा प्रोग्राम क्यों बनता है उस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो आपको कट लगाने हैं, जैसे आपके पास एक जॉब है जिसका डाया है आपका 600 mm का, और 600 mm को काट की कटिंग करके आपको बनाना हो डाया 10 mm का, तो 600 में से 10 गए तो कितने बचे, 590। तो 590 में अगर हम 1 mm का डेप्थ ऑफ कट लगा दें, एक डेप्थ ऑफ कट लेके चलते हैं, तो कितने कट का प्रोग्राम, कितने ब्लॉक का प्रोग्राम बनेगा हमारा 590 का। अगर हम 0.5 की बात करें तो हमारा उससे जस्ट डबल का प्रोग्राम बनेगा। तो वो नोज रेडियस के अकॉर्डिंग जो है डेप्थ ऑफ कट हमको कम देनी पड़ेगी, इसलिए जो ब्लॉक्स है काफी हजारों में 1200-1300 ब्लॉक के अंदर जाएगा। पेपर वर्क पे जब हम करते हैं तो क्या काफी लॉन्ग प्रोग्राम जाता है, तो उसमें टाइम वेस्ट काफी होता है, तो वही टाइम जो है मशीन पे भी हमारा प्रोग्राम पुट करने में काफी ज्यादा लगता है। सो लॉन्ग टाइम काफी लंबा टाइम इसमें लगता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, शॉर्ट टाइम में हमारा प्रोग्राम बन जाता है। क्योंकि कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, उन फॉर्मेट्स को आप फिलअप कर दो, कुछ रिक्वायरमेंट होती है वो आप कर दो पूरी, तो ये आपका चल जाता है। ये मतलब 4 से 5 लाइन के अंदर आपका प्रोग्राम बन जाता है, इसके अंदर काफी लाइन के अंदर प्रोग्राम बनता है। सो ये हमारा शॉर्ट होता है। इसके बाद इसके अंदर बनता है हमारा लॉन्ग प्रोग्राम, जिसका लॉन्ग प्रोग्राम होता है काफी लंबा प्रोग्राम बनता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि जितने कट होंगे तो नंबर ऑफ ब्लॉक भी उतने ज्यादा होंगे, तो इसके अंदर जो होता है आपका शॉर्ट प्रोग्राम बनता है। नो फॉर्मेट्स, इसके अंदर कोई फॉर्मेट नहीं होते, इसके अंदर जबकि फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर्मेट सप्लाई करने होते हैं, फॉर्मेट सप्लाई करने होते हैं, बिना फॉर्मेट्स के काम नहीं होता है। क्योंकि फॉर्मेट्स किस तरह के होते हैं, जैसे मान लो आपको टर्निंग की साइकिल चलानी है, तो उसके एक फॉर्मेट होगा G90, G77, X, Z और F। यहाँ पे इन दोनों में से एक खाप लगा लो टर्निंग के लिए, डायल लिख दो और यहाँ पे जितना आपको काटना वो लिख दो और यहाँ पे आप फिट कर दो, तो आप ऑटोमेटिक जो है टूल टर्निंग करता जाएगा, आपको बार बार G00, G01 में बैक लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है ओनली कोऑर्डिनेट्स। इसका जो काम है पूरे कोऑर्डिनेट्स के थ्रू ही बनता है, ओनली कोऑर्डिनेट के थ्रू आपका चलता है, और इसके अंदर आपका चलता है फॉर्मेट प्लस कोऑर्डिनेट। जैसा कि मैंने आपको बताया फॉर्मेट ही सब कुछ होता है, एक सभी के लिए पर्टिकुलर, टर्निंग के लिए, फेसिंग के लिए, रेडियस के लिए, टेपर के लिए, ड्रिलिंग के लिए, ग्रोविंग के लिए, सभी के लिए अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं, तो उन फॉर्मेट को आप फिलअप कर दो और हमारा काम हो जाएगा। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेट के अंदर होता है पूरा काम, कोऑर्डिनेट के थ्रू से G00, G01 लगा के हम प्रोग्राम बनाते हैं पोजिशन दे देके, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें आपको पोजिशन एक बार देनी होती है, बाकी फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। नेक्स्ट हमारा है ईच टाइम पोजिशन ऑफ टूल, हर बार टूल को पोजिशन देना पड़ता है इसके अंदर, जब टूल ब्रेक लेते हो आप तो बार बार प्लस में टूल को लेना पड़ता है बाहर, ताकि एक्सीडेंट ना हो। इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर ईच टाइम देना पड़ता है, इसके अंदर वन टाइम पोजिशन है, पोजिशन केवल एक बार दे दो आप एक बार पोजिशन दे दोगे तो फूल बार बार कटिंग करके वहीं पे आएगा, तो इसमें हमको पोजिशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार हम पोजिशन देते हैं इसमें हमको बार बार पोजिशन देनी पड़ती है। इसके बाद नो कंडीशन, इसके अंदर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं, आपको अपने हिसाब से प्रोग्राम बनाना, G00, G01 का यूज कहाँ पे करो, किस तरह से करो, साइकिल टाइम कैसे कवर करना, वो सारा आपके ऊपर है, बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर साइकिल टाइम कवर करना बिल्कुल आपके हाथ में, लेकिन वो एक फॉर्मेट के दायरे के अंदर होना चाहिए, तो इसके अंदर आपका फॉर्मेट का आता है जिसके अंदर कंडीशन अप्लाई होती है, इसमें हमेशा कंडीशन होती है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो ये वीडियो मैंने बनाई है इसके अंदर मैंने आपको G00 और G01 में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताया है। तो इस वीडियो के अंदर किस तरह से आप G00, G01 का यूज करोगे, चाहे वो थ्रेडिंग का हो, ड्रिलिंग का हो, ग्रोविंग का हो,
या नर्लिंग कोई भी प्रोग्राम हो तो आप जी जीरो जीरो और जी जीरो के हिसाब से आप बना सकते हो। बट जब कैनेट साइन का आप यूज करोगे तो आपको सभी फॉर्मेट्स को प्रॉपर तरीके से सेट करना पड़ेगा और वैल्यूज जो है वो प्रॉपर तरीके से पुट करनी पड़ेगी। सो उसके बाद ही आपका प्रोग्राम बनेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिफरेंस बताया है मैनुअल के अंदर और आपके जो कोऑर्डिनेट के थ्रू बनती है, एक आपके कैनेट साइकिल के थ्रू बनती है उसके उससे रिलेटेड। सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।